गाइस रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज आई है। लगभग यहाँ पे 1000 से ऊपर वैकेंसीज है। बोलने को तो ये वैकेंसीज प्राइवेट वैकेंसीज है, लेकिन इसमें आपका रहना, खाना, आपके ड्रेस, आपके कपड़े, आपके शूज, मेडिकल फैसिलिटी एंड आपके ट्रेवलिंग अलाउंस सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। आपको अपनी पॉकेट से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, सब कुछ आपको रिलायंस फैमिली आपको पे करेगी। हम बात करेंगे जो रिलायंस GCS है, ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी में वैकेंसी आई है। बोलने को तो ये सिक्योरिटी की वैकेंसी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का जो सिक्योरिटी का नेचर है अलग ही नेचर है, वो हाई स्किल्ड सिक्योरिटी एजेंट है। तो हम इसमें सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और सबसे बेस्ट एनसीसी कैंडिडेट है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नॉन एनसीसी कैंडिडेट है जब भी आपके लिए बेस्ट है, अगर आपके पास यहाँ पे स्किल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी रखा है और एज में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। एज है 21 से 27 साल। एज की गणना आपकी 1 जून 2024 से एज की गणना की जाएगी। बोलने को तो ये जैसे मैंने बोला प्राइवेट जॉब है, लेकिन सबसे बेस्ट जॉब है। अगर आपकी एज आर्मर फोर्स, नेवी, एयर फोर्स के लिए निकल चुकी है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट जॉब है। बेल्ट की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, जो पोस्टिंग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो रिलायंस इंडस्ट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एनर्जी हो, कैसी भी प्रॉपर्टी है रिलायंस इंडस्ट्री की, उसको आपको सेफ रखना है, उसकी आपकी सिक्योरिटी गार्ड करनी है। इन हाउस सिक्योरिटी भी आपको करनी है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री में कोई VIP का मूवमेंट हो रहा है, जब भी उसके साथ रहना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल के ऊपर, आपके यहाँ पे स्टडी के ऊपर, आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर। बात करेंगे किस किस एरिया में रिलायंस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी है, कहाँ पे आपको जॉब पोस्टिंग देगी। देखो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, न्यू एनर्जी, रिटेल एंड टेली कम्युनिकेशन एंड रिलायंस GCS इन हाउस सिक्योरिटी, रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी इन हाउस, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, मतलब रिलायंस की सभी प्रॉपर्टी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करेंगे भाई, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे गवर्नमेंट की होती है, आर्मर फोर्स की होती है, पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, उसमें आपको 27,000 रुपये मिलेगा इन हैंड। आपका सब कुछ कटने के बाद 27,000 रुपये आपको रहना, खाना, ड्रेस, उठना, बैठना सब फ्री, आपका एक भी पैसा जेब से नहीं लगाना है। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको 40,000 रुपये मिलेगा यहाँ पे, आफ्टर ट्रेनिंग 40,000 रुपये। ठीक है, ये बात आप समझ के रहो, अच्छी खासी जॉब है और सिक्योरिटी की जॉब बेकार नहीं है। रिलायंस से जब आप एक्सपीरियंस लेकर निकलोगे तो ये सिक्योरिटी की जॉब है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं बोल सकते भाई, इसकी जॉब प्रोफाइल सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है, तो बेकार जॉब प्रोफाइल नहीं है। वो मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड, वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये हाई स्किल सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ऑल फैसिलिटी, फूड, स्टे, ETC। ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे होगी? RSRM में होगी, यानी रिलायंस सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग खत्म करनी है। ठीक है, यानी होनी है। जो प्रोफाइल कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, आपको एयरपोर्ट पे जॉब सिक्योरिटी गार्ड अलग मिलेंगे, आपको मेट्रो में अलग मिलेंगे, दिल्ली मेट्रो में आए हो, बॉम्बे मेट्रो में आए हो, बेंगलोर मेट्रो में, वो 10-15-20 हजार वाले सिक्योरिटी गार्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जॉब प्रोफाइल है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना इजी सिलेक्शन नहीं है। आपको कुछ फेस, कुछ जो एग्जामिनेशन है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, सब कुछ होगा, इसमें आगे बात करेंगे। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, NCC नॉन NCC दोनों तरह कैंडिडेट, अप्लाई करने का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पे जाके धनाधन आपको अप्लाई करना है।
यहाँ पे जल्दी ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। और गाई हाइट के बारे में बात करेंगे, मेल की हाइट है 167.6 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट, और फीमेल की हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे हिली एरिया वालों को मिलेगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के या जम्मू कश्मीर के हैं, जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें 5% की छूट मिलेगी यहाँ पे। इनके फॉर्म आप जो है 27 जून से लेके 21 जुलाई तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, पहले से ही इन्होंने यहाँ पे डेट दे दी है। फिजिकल भी होगा आपका, फिजिकल में आपकी उठक बैठक रनिंग सब कुछ होगा। फिजिकल और रिटर्न टेस्ट के बारे में अलग से मैं डिटेल्ड में वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कि आपकी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कैसे आपको करना है। और गाइज इसमें आपका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, सभी चीज होगी, यहाँ पे मेडिकल भी होगा। भाई इतना इजी नहीं है, ये रही जॉब आपकी, और अप्लाई कर देना, आपको फटाफट शुरू करना है। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू भाई।